इसे सैलाब की सेल्फी कहें या सेल्फी का सैलाब, शोर मचाती हाहाकारी लहरें उफान पर हैं, सब कुछ बहाने पर आमादा हैं और लोग इसी में रोमांच तलाश रहे हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी रौद्र रूप धारण कर चुकी है। संगमरमर के चट्टानों के बीच नदी की धार गरज रही है, चट्टानों से गिरती नदी डरा रही है। लेकिन सेल्फी के क्रेज के आगे डर भी काफूर हो गया है। हाथ में मोबाइल और लहरों के बीच तस्वीर, सेल्फी ले रहे हैं, बस ऐसा ही। डर नहीं लग रहा आपको? नहीं, नहीं लग रहा, क्योंकि हम इधर ही के हैं, इसलिए नहीं लग रहा। लिखा जरूर है हर जगह, हमको लेना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, अब कोई आला अधिकारी होता तो बात अलग थी। नहीं, लेकिन हम फोटो। लहरों का आतंक देखते हुए प्रशासन ने बाकायदा बोर्ड लगा रखा है, लोगों को लगातार सैलाब से दूर रखने की हिदायत दी जा रही है। कोई हादसा न हो इसके लिए पुलिस भी तैनात है, लेकिन लोग मानने को तैयार कहाँ है, जान जोखिम में डालकर भी सेल्फी लेने में लगे। अभी हमने समय समय पे सब लोग को समझा रहे हैं कि सेल्फी ना लें, और अभी ऐसे कोई पॉइंट भी नहीं है कि सेल्फी लेने वाले हों, तो सभी लोगों को समझा रहे हैं। मेरा स्टाफ लगातार उनको समझाइश दे रहा है कि ऐसी जगह पे ना जाएं जिससे पानी का जल स्तर जहाँ बढ़ रहा है उससे सेल्फी लेने से धोखा हो जाए। भारी बारिश के कारण मध्य प्रदेश में नदियां लबालब हैं। बरगी बांध भी खतरे के निशान को पार कर चुका है। वक्त वक्त पर बांध से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, 11 गेट खोले गए हैं। ऐसे में नदी के बीच जाना खतरे से खाली नहीं है। अचानक पानी बढ़ सकता है, कभी भी जान पर बन सकती है। आप कुदरत की खूबसूरती का लुत्फ उठाएं, लेकिन सरा संभल कर, कायदे में रहकर, वरना सेल्फी का क्रेज हादसे में बदल सकता है। धीरज शाह।